الحمد لله الحمد لله الذي أعطانا حفلة الميلاد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القرة العيون والفؤاد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل بيته خصوصا على سيدنا ومولانا عبد القادر الجيلي أهل التقى والنقى إلى يوم التناد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المغيث الكريم غوث أعظم بمن بسر سامة مدد آمين بول قبلة دي مدد كعب إمام مدد قادریم قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت مرد کنی بے قبول منو دست دامانی آل رسول اللہ آپ کو سلامت رکھے ہاں سہارے لینا ہے تو کس کا سہارا لینا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سہارا وہ لینا ہے جو امام احمد رضا خان نے ہمیں بتایا تیرے ٹکڑوں پہ بلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال اب یہ عزت کی بات ہے کہاں تک آپ عزت کو بچا پائیں گے وہ آپ سمجھئے اور یہ صرف جملہ سامعین کے لیے نہیں ہے اس کا تعلق زیادہ ان لوگوں سے ہے جو میرے ہم نشین ہیں اب میں اس جملے کی قدر سمجھوں گا اور قدردان جو لوگ ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا ہمیں سہارے وہ چاہیے جو سہارا اعلیٰ حضرت نے دیا تو کہنے لگے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے اگر اتنی ہلکی آواز آئے گی تو پھر شہزاد کے لیے بولنا ہی دشوار ہو جاتا ہے اس لیے کہ میں ہمیشہ زندہ لوگوں ہی میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں ادھر والے یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم بائیں طرف ہیں اور بایاں ہاتھ کمزور ہوتا ہے آپ یہ احساس کیوں دلا رہے ہیں
मेरा मेमना भी बड़ा मजबूत है, मैसना भी बड़ा मजबूत है, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजबूत हैं। सदर पनाही भी है, पुश पनाही भी है, दो पनाहियों के बीच में फकीर की बनाई है। और अगर सहारा लेना है तो इस तरह का हो, जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को लोगों ने सताया तो मेरे इमाम कहने लगे, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब मदीने से रसद पहुंची, मदीने वाले की करम नवाजी हुई तो कहने लगे, क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं, इसलिए कि मिल रहा है ना, तो कहने लगे, क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने कहा आला हजरत इतने पते की बात, इतने मजे की बात, इतनी मजबूत बात, आप रिश्ते जो मजबूत पेश कर रहे हैं सरकार से, इसकी वजह क्या है? तो कहने लगे, तेरी सरकार में लाता है रदा उसको छपी। ऑपरेटर साहब मजा नहीं आ रहा है, आप तो आदमी बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसको थोड़ा और फ्री कीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका सिर्फ भिलाई में जलसा नहीं करना, भिलाई में तकरीर करके भलाई हासिल सिर्फ यही नहीं करना, मैं सोच रहा हूँ कि और जगह जाके भी भलाई भिलाई की तरह भलाई हासिल करने की कोशिश करूँ। अगर आप सारी आवाज यही ले लेंगे तो फिर भलाई के रास्ते बंद होने लगे मेरे लिए। इस तरीके से आला हजरत कहने लगे, तेरी सरकार में लाता है रदा जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बस ये जज्बा पैदा कीजिए। और दूसरी बात सुनिए, मिजाज क्या है अहले सुन्नत के जलसों का। आला हजरत फरमाते हैं, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। अब मेरी बिरादरी के लोग इस सर हिला के काम चलाएंगे तब कैसे काम हो गया? नेकियों की दावत तो आप ही लोग देते हैं ना, और ये भी जानते हैं कि कादरी जलसा है कादरियों का जलसा है, और कादरी जिक्र जिक्रे जली होता है, जिक्रे खफी नहीं होता। मैं ख्वाजाए नक्शबंद से प्यार जरूर करता हूँ, लेकिन कादरी वजीफे रखता हूँ, और जब कादरी वजीफे रखता हूँ तो कम से कम कादरी रंग भी तो जाहिर करना चाहिए। और मोहब्बत से बोलिए, आप भी बोले मोहब्बत से, हाँ इधर वाले भी बोल जाए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो फरमाइएगा, कादरी रंग है कादरी रंग, और कादरी रंग का इजहार कादरी अंदाज ही में करना है। और इंशाअल्लाह रहमान आगे जब गुफ्तगू होगी तो आप करेंगे बेफजल ही ताला। सैयदी गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में साला हजरत क्या कह रहे हैं, तेरी सरकार में लाता है रदा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये नीचे से हमने जब गुलामों का दामन पकड़ा तो नबियों के इमाम तक चले गए, और जब नबियों के इमाम तक पहुंचे तो बारगाह खुदा मिल गई। लेकिन पहुंचे कैसे? इन बुजुर्गों ने सिखाया क्या? सुन्नियों के जलसे का मिजाज क्या है? मोमिन वह है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मरने वालों की आवाज आहिस्ता होती है, अरे मरते वक्त तो आवाज तेज हो जाती है। मोमिन वह है जो इनकी इज्जत पे मरे, ताजीम भी करता है नजदीक तो मरे दिल से। मौलाना महबूब गौहर साहब, आप तो माशाल्लाह अच्छे शायर हैं, जबरदस्त शायर। मैं भी कभी कभी तुकबंदी कर लेता हूँ, है ना, कभी बहर से निकल जाता है, कभी बहर के बाहर हो जाता है, कभी अंदर हो जाता है। अभी हमारा बच्चा जो पढ़ रहा था वो कभी आजाद बहर में चला जा रहा था, है ना। बार अल्लाह उसके जज्बे को सलामत रखे। हाँ, लेकिन तवज्जो फरमाए, लफ्ज मरे मरे का इस्तेमाल आला हजरत ने कितने हसीन अंदाज में, और लफ्ज मरे मरे से सुन्नियत का मफहूम भी बता दिया है और वहाबी का मफहूम भी बता दिया है, दोनों के किरदार जाहिर कर दिया इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने। आला हजरत ने कहा, मोमिन वह है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो
जिनकी आवाज हल्की निकल रही है फैसला कीजिए, खुद ही फैसला कीजिए, मैं कोई हुक्म शरा नहीं लगा रहा हूँ। आला हजरत ने कह दिया ना, और आला हजरत ने जब ये मिजाज दिया क्यों रजा आज गली सुनी है, तो उठेंगे कब? उठ मेरे धूम मचाने वाले। समझ में आई बात आपके? हाँ, इसलिए जरा प्यार के साथ बैठिएगा और अंदाज अपना यही रखिएगा। हुजूर अमीन शरीयत के आप उनकी तालीमात के अमीन हैं, और अमीन जो होता है अमानत का मुकम्मल पासो लिहाज रखता है। अब आइए जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए, ताकि मैं अगला सफर मुकम्मल कर सकूं और आसानी से कर सकूं। जरा बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनो इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और मोहब्बत से पढ़े, नबी आले नबी पे अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनो इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब का बहुत बड़ा फजल व एहसान, बहुत बड़ा रब करीम का फजल है हम अहले सुन्नत वल जमात पर कि हमें अल्लाह तआला ने नबियों की जमात भी अता फरमाई, सहाबा की जमात भी अता फरमाई, ताबईन की जमात भी अता फरमाई, तबे ताबईन की जमात भी अता फरमाई, अइम्मा मुज्तहिदीन भी अता किए, अइम्मा तरीकत भी अता किए, अगवास भी हम में ही है, अबदाल भी हम में ही है, औताद भी हम में ही है, अफराद भी हम में है, नुजबा भी हम में है, सुल्हा भी हम में है, अतकिया भी हम में है, अल्हम्दुलिल्लाह अबरार भी हम में है, निकोकार भी हम में। दावा बहुत लंबा किया है लेकिन दलील देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मुझे वक्त नहीं लगेगा। आप कहेंगे मौलाना हजरते अंबिया की बात की वो भी सुन्नियों ही के मुकद्दर में, अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन नसूलाने इदाम भी सुन्नियों ही के मुकद्दर में। मैंने कहा कुरान कहता है या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तर्जमे पे सुभान अल्लाह की सदा तो बुलंद हो यार, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अब यहाँ सच्चों की बात आई तो सबसे पहले सच्चे कौन है? हजरत अंबिया इकराम अला नबीना वालेहिम सलातो वसलाम। हमें हुक्म दिया गया इनके साथ जुड़ो, उसके बाद दौर आता है सहाबा इकराम का, इनके करीब जाओ, उसके बाद ताबईन का दौर आता है, तबे ताबईन का दौर आता है, यही सिलसिला कायम रहा। हमें हुक्म दिया गया अब्दुल कादिर जिलानी के दामन से जुड़ जाओ, ख्वाजा नक्शबंद के दामन से जुड़ जाओ, यही सिलसिला जारी और सारी है। और मैं कह सकता हूँ या अय्युहल लदीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन में अल्हम्दुलिल्लाह कूनू मअस्सादिकीन के अंदर सरकार अमीने शरीयत भी शामिल है, सरकार ताजुश्शरिया भी शामिल है, हुजूर मुफ्ती आजम भी शामिल है, सरकार आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल है। अब मैं बात की बात कर रहा हूँ। हमने कहा कुरान ये तो बता, खुदाए ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला ये तो बता तूने मुस्तफा के गुलामों से जुड़ने का हुक्म क्यों दिया? तूने ये क्यों कहा सहाबा का दामन थामो, ताबईन का दामन थामो, तबे ताबईन का दामन थामो, अगवासो औताद का दामन थामो, अब्दुल कादिर जिलानी का दामन थामो? तो कुरान दूसरी आयत करीमा के अंदर ऐलान कर रहा है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बे इमामहिम, हम कयामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। हमने कहा वहाबियों तुम्हें तुम्हें इस्माइल देहलवी मुबारक हो, हमेशा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुबारक हो, तुम्हें नवाब सिद्दीक हसन भोपाली मुबारक हो, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी मुबारक। नारे तकबीर, जरा सलीके से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर अमीने शरीयत, खलीफा ए हुजूर ताजु शरिया। तवज्जो है, हमने कहा आला हजरत आप भी तो बताएं, कुरान तो कह रहा लेकिन आप बताइए, तो आला हजरत कहने लगे तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। मोहब्बत से बोलिए, आवाज निकलना चाहिए, इसलिए कि मुझे मालूम है इस वक्त तकरीर भी करना है, सुनाना भी है, जगाना भी है, मनाना भी है, बिठाना भी है, और तकरीर सुनाने के बाद घर भेजना भी है। समझ गए आप? कुछ लेकर के जाइए, तवज्जो है ना आपकी, मुकम्मल तवज्जो है। आला हजरत कहने लगे तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।
सुन्नियों एक बात बता दूं, हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी से उलकीदा है और यही जमात कामयाब होने वाली है। आपके आसपास में कितने भी मरकज बनते रहे, ये मरकज फसाद तो हो सकते हैं, मरकज एतिकाद नहीं हो सकते। बात समझे कि नहीं समझे? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐ याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात कामयाब होने वाली है वो कोई और जमात नहीं है, वो सुन्नियों की जमात है। भिलाई का सुन्नी मुसलमान बड़ी भलाई से सवाल करेगा, हजरत ये बताइए आपने दावा कैसे कर दिया हम सुन्नी ही कामयाब होने वाले हैं? मैंने कहा आला हजरत की सनद नहीं दे रहा हूँ, मुफ्ती आजम की सनद नहीं देता, सरकार ताजुशरिया की सनद नहीं देता, मैं उसी अब्दुल कादिर जिलानी की दे रहा हूँ। इसकी गुनियतुल तालिबीन को पढ़ने के बाद वहाबी कहता है उसमें रफ़ायदैन लिखा हुआ है, लेकिन ये हनफी करते नहीं है। मैंने कहा सुन, रफ़ायदैन अमल है और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का अकीदा क्या है? अमल बाद में आता है, अकीदा पहले होता है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा कुरान कहता है इन्नल लदीना आमनु वअमिलुस सालिहाति, बेशक वो लोग जो ईमान लाए नेक काम किए, तो पहले ईमान लाना है, नमाज बाद में पढ़ना है, पहले ईमान लाना है, ज़कात बाद में देना है, पहले ईमान लाना है, सदका बाद में करना है, पहले ईमान लाना है, मस्जिद बाद में बनाना है, पहले ईमान लाना है, इमाम बाद में लेकर के आना है, पहले ईमान लेकर के आना है, मुत्तकी बाद में बनना है। इसलिए कि तकवे की पहली मंजिल क्या है? वो ईमान है, अल्लाह उसके रसूल को मानना है, जरूरियात दीन पर ईमान रखना है। सुन्नियों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी मस्जिद के दरवाजे पर लगा दिया जाए, क्या लगाया जाए? ये मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात की है, मसलकी आला हजरत के मानने वालों की है। इसमें वहाबी को आना नहीं, राबजी को आना नहीं, चकरालवी को आना नहीं, तो मेरे सुन्नियों ही को तकलीफ क्यों होती है? एक बात मुझे बताओ, जो अपने होटल पर ये लिख देते हैं यहाँ शराब पीना मना है, यहाँ शराब पीना मना है, मैंने कहा शराब पीने से अमल खराब होता है, शराबी के आने से रिस्पेक्ट बेकार हो जाती है, इज्जत गिर जाती है, लेकिन वहाबी तुम्हारी में आ जाए अकीदा खराब करके जाता है। इसलिए याद रखो, जिसको नबी ने 1400 साल पहले अपनी मस्जिदों से निकाल कर ये जहन दे दिया है, हालात कैसे भी हो, हालात का रोना नहीं रोना है, अपनी मस्जिदों को बदअकीदा से पाक करके रखना है। बात आ गई तो एक बात और क्लियर कर, तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे बाप का कोई दुश्मन हो तो शादी में ना बुलाओ, तुम्हारा घर उसके लिए ना खुले, समझ गए? मोहल्ले में अगर कोई पड़ोसी है उससे नाराजगी है, माँ बाप से नाराजगी है, भाई के साथ उसने जुल्म और सितम किया है, तब तो तुम्हारा दरवाजा, तुम्हारे बहन की शादी बेटी की शादी में तुम्हारा दरवाजा उसके लिए ना खुले। मैंने कहा तुम्हारा जाती दुश्मन हो उसके लिए घर ना खोलो, तो मुस्तफा के दुश्मन के लिए खुदा का दर कैसे खोल देते हो? तुम्हें पता नहीं है खुदा की बारगाह भी उसी वक्त मिलेगी जबकि दरे मुस्तफा मिल जाए। आला हजरत ने बिला वजह नहीं कहा, क्या कहा आला हजरत ने? बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बोलिए, जितने यहाँ मस्जिद के मुतवल्ली बैठे हैं, यहाँ से वादा करके जाए अपनी मस्जिदों के दरवाजे पर लिखेंगे हमारी मस्जिद मसलक के आला हजरत की है, इसमें कोई भी वहाबी बदअकीदा नहीं आएगा। बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाथ उठाओ, हाथ। मुर्दा जिंदगी, मुझे मुर्दा माहौल पसंद नहीं है, हाथ उठाइए। अगर अपना ईमान अकीदा बचा के लेके जाना चाहते हैं तो याद रखना, ये वहाबी तुम्हारी मस्जिदों में प्री पिलान घुसता है और देखता है कि सुन्नियों की तरफ से रिएक्शन क्या है। अगर एक्शन ही एक्शन होता रहे तो नतीजा कुछ नहीं, फिर तो जाके मस्जिदों पे कब्जा हो जाता है, और जहां रिएक्शन हो जाए फिर वहां भटकने की कोशिश नहीं करता। तुम्हें पता है जहां लाहौल पढ़ने वाले होते हैं वहां शैतान जल्दी जाता ही नहीं। और सुने, मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं? इसलिए कि मुझे मालूम है कामयाब होने वाली जमात सिर्फ सुन्नियों। अब सनद सुनिए, किताब का नाम है गुनियतुल तालिबीन, और तहकीक भी बता दूं, आला हजरत से पूछा गया, कुछ लोग कहते हैं गौसे आदम की किताब है ही नहीं, तो आला हजरत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आपने फरमाया अल्लामा इब्ने हजर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का तो यही मानना है कि गौसे आदम की किताब है ही नहीं, मगर आपने फरमाया ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते किताब तो गौसे आदम की है मगर इल्हाकात कर दिए।
तो आला हजरत ने बड़ी जबरदस्त बात कही, इसलिए किताब के अंदर जो चीज भी आती है उसको आंखें बंद करके फौरन नहीं मानना, इसलिए कि तराजिम में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई। अरे भाई गंजुल कुराने पाक के तर्जमे में जब अशरफ अली गड़बड़ी कर दे तो गौसे पाक की किताब हुनियतु तालिबीन में अगर गड़बड़ी हो जाए तो कौन से हैरत की बात है। तवज्जो फरमाइएगा जरा, मगर हुनियतु तालिबीन के अंदर ये मौकिफ जो मैं बयान कर रहा हूँ सारे मौके गलत नहीं है, बल्कि आप हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु का यह जुमला सुनिएगा। आपने फरमाया अन नाजियतु फहिया अहलुस सुन्नति वल जमाआ, फरमाया जो फिरका जो जमात जो ग्रुप कामयाब होने वाला है जिसको अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी देगा आखिरत में भी कामयाबी देगा, फरमाया वो कोई और जमात नहीं है। पीछे मत देखो भाई, अगर सुनना है जुमला और ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो तो सुनिएगा जरा, खून जिगर पेश कर रहा हूँ। इन इल्म वालों से पूछिए, मुताले करते इनको मालूम है, तुम लोग क्या समझते हो हम बस सफर कर रहे हैं, सफर कर रहे और आराम से किया और उसके बाद किताब सर के नीचे रख ली सारी किताब मुसबानी याद हो गई, ऐसा नहीं होता है। आंखें उसमें गड़ाना पड़ती है, तवज्जो देना पड़ती है, ईमान नजर गहराई के साथ किताब को पढ़ना पड़ता है, अगला पिछला सियाको सबाक देखना पड़ता है, मेहनत करके तुम लोगों तक आते हैं। अगर तुम सुनोगे नहीं तो फिर ऐसी सूरत में तकरीर का फायदा ही क्या है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। जुमला सुनिएगा, सैयदी गौसे पाक फरमा रहे हैं अन्नाजियतु फहिया अहलुस सुन्नती वल जमाआ, अगर कोई जमात कामयाब होने वाली है तो वहां भी जमात नहीं है, चक्राल भी नहीं है, अहले कुरान जो कहते हैं रापसी नहीं है, नीम रापसी नहीं है, देवबंदी नहीं है, सुले कुल्ली नहीं है। हमने कहा कौन सी जमात है, फरमाया अहलुस सुन्ना वल जमाआ, अगर कोई जमात कामयाब होने वाली है उसको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। आला हजरत ने इसीलिए तो कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, इश्क तेरे सबके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगी। बड़ी कमजोरी छाई है, मैंने तो आग लगाई है लेकिन आपने कमजोरी छाई है, सुभान अल्लाह बोल के बताइए। अल्लाह सलामत रखे, जरा गौर फरमा रहे आप क्या कहा सैयदी गौसे पाक ने अहलुस सुन्नति वल जमाआ। चलो और तफसीरें उठाते हैं, मुख्तलिफ तफसीरों को उठा करके उनका खुलासा पेश कर रहा हूँ। यौम तबियत दो वजूह वतस्वदो वजूह, कुरान कहता है, कुरान कहता है यार हर एक गौसे आदम की याद थोड़ी मनाता है, मनाता वही है जो सुन्नी से उल अकीदा हुआ करता है। किसी शायर ने कहा था ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की ग्यारह, सुन्नी ना मनाएगा तो भला कौन मनाए, सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा, है किसकी ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की ग्यारह, ये ग्यारहवीं शरीफ ही तो चल रही है। सुभान अल्लाह की सदा तो बुलंद हो जाए यार, मैं समझ तो जाऊं कि जिंदा लोगों के बीच गुफ्तगू कर रहा हूँ। आखिर सुन्नियों याद रखना, अगर तुम हो सुन्नी और यकीनन सुन्नी हो तो मरने के बाद भी तुम्हें मौतें वो मौत नहीं आएगी जो कुफार की मुनाफिकीन की मौतें हैं। तुम्हारा आलम तो क्या होगा, तवज्जो करना, किताब का हवाला दे रहा हूँ, नाम है फतावा करामाते गौसिया। हवाला समझ में आया, उसी का ले लेता हूँ जिसका महीना चल रहा। किताब का नाम है फतावा करामाते गौसिया। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीसे पाक है, मेरे नबी फरमाते इन्नमा नसमतुल मुमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्ना हत्ता युर्जिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही इला फी जसदिही यौम यबअसु। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ईमान वाले का जब इंतकाल होता है, तवज्जो फरमाना जुमला क्या है, मैं मुसलमान की बात नहीं करता इसलिए कि कुछ नाम निहाद भी मुसलमान होते हैं, उनको दुनियावी एतबार से मुसलमान बोल दिया जाता है। अगर से हमारा मानना यही है हनफी एतबार से शरा हदीसों में जितने भी मोमिन और मुस्लिम के लफ्ज आए हैं उनमें यही बताया गया जो मोमिन है वही मुसलमान है, जो मुसलमान है वही मोमिन है। दोनों के अंदर मैं अहले इल्म के लिए कह रहा, उन्होंने तसावी की निस्बत साबित की है। मतलब यह है सच्चा मोमिन व सच्चा ईमान सब सच्चा मुसलमान वही हो सकता है जिसके दिल के अंदर मुस्तफा का सच्चा इश्क बैठा हुआ है। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ईमान वाले का इंतकाल होता है, अल्लाह उसकी रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। सरकार ये परिंदा रहता कहां है, मेरे नबी ने फरमाया या लकु फी शजरिल जन्ना। लफ्ज जन्नत से तो समझ गए होगे, इसीलिए तो आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। मुनकिर नहीं कहूंगा भैया मैं, लफ्ज मुनकिर नहीं कहूंगा इसलिए कि जिसको कहना है वो कहे, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि आला हजरत का लफ्ज बदल सके।
और अगर कोई लाइल्मी और जहालत की बुनियाद पर बदलना है तो बदलता रहे, मगर मुझे मालूम है मैं वही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो आला हजरत ने किया, इसलिए कि आला हजरत ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था वो फिरकाए मोतजला की तरह दुनिया से खत्म थोड़ी हुआ है, फैलता ही जा रहा। मगर एक हैरत की बात बता दूं, फिरकाए मोतजला आप नहीं समझेंगे, आए इस्लाम में एक फिरका निकला था फिरकाए मोतजला, उस पर किताबें भी पढ़ाई जाती है शरे अकाइद, आपको याद है कहीं फिरकाए मोतजला है दुनिया में? अरे बोलिए आपके जहन में हो तो जो भी जवाब है दीजिए, है आपने कहीं सुना है? अहले इल्म से इधर से वालों से आपने कहीं सुना है? है फिरकाए मोतजला दुनिया में किसी शहर किसी मुल्क के अंदर रहता है, आपने कहीं सुना? ना सुना हो तो बताइए, मैं बताई देता हूँ। अभी 3 तारीख को मैं रिटर्न हुआ उमान से, दुबई था उसके बाद उमान, उमान में जब पहली एंट्री थी पहली बार गया था, मुझे खुद हैरत हो गई थी, मैंने कहा यहाँ कौन लोग हैं किसकी हुकूमत है, तो बोले यहाँ मुश्तरका तौर पर सुन्नी भी है फिरका इबादिया भी है। मैंने कहा अल्लाह मेरी ये फिरका इबादिया कौन सा है? जब सर्च किया तो कहा गया, क्या कहा, क्या बोला गया, हिया फिरकतुन मुतज़िला। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि हम जो किताबें पढ़ रहे हैं फिरकाए मुतज़िला के रद्द में, वो किताबें पढ़ना भी सूद नहीं है, इनसे भी मुकाबला हो सकता है। अहले इल्म की तरह मैं खास तवज्जो चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, हमारे पीछे वाले भाई क्या कर, थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए मुझे। शहजाद बरेली से आया है, थका हारा है, बिल्कुल यूं समझिए कि इस वक्त कैफियत ऐसी है जैसे कि मैं हारे हुए लश्कर का सिपहसालार हूं। इसलिए आप जरा ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए, भिलाई वालों ने बड़ी मेहनत की, काफी दिनों से लगे थे और जरूरत थी, तो खैर मैं चला आया, अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन अब मेरी बात पर जरा तवज्जो दे। सरकार ने इरशाद फरमाया ईमान वाले का इंतकाल होता है, अल्लाह उसकी रूह को परिंदे की शक्ल दे दिया करता है। ए मौला ये परिंदा कहाँ रहता है? मेरे नबी ने फरमाया यालकु फी शजरिल जन्ना, अली का यालक का माना चिपटना होता है, लेकिन यहाँ आला हजरत ने तर्जमा किया यस्कुन के माना में रहता है। इमाम अहले सुन्नत ने तर्जमा किया वो कहाँ रहता है? जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। भैया मेरी तरफ तवज्जो करना और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह, न जाने कौन सी बार अल्लाह कबूल फरमा ले। 3 बार बोल लिया, मेहनत कर ली। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जन्नत के दरख्तों में रहता है, सुन्नी कहने लगा ए मेरे पाक परवरदिगार कब तक रहता है? सरकार ने फरमाया जब तक कयामत आएगी नहीं ईमान वाले की रूह जन्नत से जाए। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का लकब क्या है? गौस। ऊंचा बोले, जल्दी जल्दी बोले यार, वक्त कम है। क्या है गौस? गौस का माना मुगीस होता है, मुगीस का माना मददगार। आप कहेंगे सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी मददगार थे, मैंने कहा कल भी थे आज भी है और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेंगे। एक सनद देकर के जा रहा हूँ, किताब का नाम है तर्दुल अफाई अन हिमाहतिन नफार रिफाई, उर्दू में नाम है फजीलत गौसे आदम, लिखने वाले इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं जरा गौर करना, सैयदना मोहम्मद बिन महफूज रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं सैयदी गौसे पाक की बारगाह में मैं भी गया दूसरे भी गए, फरमाया मेरे साथ 10 लोग थे, जिन 10 लोगों की ख्वाहिश ये थी कि हमें आखिरत मिल जाए, और 3 लोग और थे उनकी तमन्ना ये थी हमें दुनिया की वजारत मिल जाए, फरमाया मैं भी गया, कुल 14 लोग हो गए, उन्हीं में सैयदना हजरते खलील हजरते शेख खलील सरसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हजरते गौसे पाक की बारगाह में गए, आपने सबने अपने अपने मकसद को बयान किया। सैयदी गौसे पाक का जुमला सुन ले, अब दाएं बाएं ना देखे यार, मुझे देखिए वाकये को मुकम्मल कर रहा हूँ। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं लियतलुब कुल्लु मिनकुम हाजतन उतीहा लहू, फरमाया हर आदमी अपनी अपनी नीड को रखे तो सही, आवश्यकता बयान करे, अपनी जरूरत जिक्र करे, मैं हर एक को उसकी जरूरत अता फरमाऊंगा। 10 लोगों ने कहा हमें आखिरत चाहिए, 3 बोले हमें दुनिया की वजारत चाहिए, खलीले सरसरी बोले हुजूर मरने से पहले गौसियत चाहिए। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी फरमा कुरान की आयत पढ़ते हैं फरमाया हम इनकी भी मदद करेंगे जो आखिरत चाहते हैं, हम इनकी भी मदद करेंगे जो दुनिया चाहते हैं। अब पूछो मोहम्मद बिन महफूज से, आप फरमाते हैं कसम खुदा की, आप फरमाते हैं फकत तालू कुल्लुहुम मा तलबू, जो जितना भी अपने दिल में तलब और गुजारिश लेकर के आया था हर एक ने अब्दुल कादिर जिलानी से पा लिया, जिसने जो मांगा था शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अता फरमा दिया। खलील सरसरी ने सबसे हार्ड चीज मांगी थी, इसलिए कि आप मुझसे कहो मौलाना रुमाल दे दो दे दूंगा, आप अमामा दे दो दे दूंगा, जेब में पैसा है दे दूंगा, लेकिन आपसे कहा जाए, इमाम साहब से
कहा जाए हुजूर मुझे पक्का नमाजी बना दीजिए, कहेंगे बाप रे ये काम मेरा नहीं है, हुजूर मुझे छोटा ही सही, विलायत का अतना दर्जा ही अता कर दीजिए, आप कहेंगे नहीं। मगर साथ देखिएगा अब्दुल कादिर जिलानी से, उसने ये नहीं कहा मुझे अब्दाल बनाए, उसने ये नहीं कहा मुझे औताद बनाए, उसने ये नहीं कहा अफराद बनाए, उसने ये नहीं कहा इमामान बनाए वजीरैन बनाए, बल्कि कहा हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से मुझे गौस बनाइए, इसलिए कि विलायत के 5 दर्जे होते हैं, सबसे नीचे अब्दाल है, उसके ऊपर अफराद है, उसके ऊपर औताद है, उनके ऊपर अफराद है, उनके ऊपर वजीरैन है, उनके ऊपर गौस है, और अब्दुल कादिर जिलानी गौसों के गौस है। हजरत खलील सरसरी ने कहा मरने से पहले गौस बना दे, हमने कहा आला हजरत मिला के नहीं, आला हजरत ने सनद जिक्र फरमाई, उसके बाद ये कौल जिक्र किया कुतिब शेख खलील सरसरी कबला मौत ही बेसमाती अय्याम, अब्दुल कादिर जिलानी की पावर देखो, हमने कहा वहां भी तो नबी की पावर पर एतराज करता है, उनके गुलाम की ताकत देख, फरमाया गौसे आजम के कहने के मुताबिक उनको अपने इंतकाल से 7 दिन पहले रब ने क्या कर दिया, उनके इंतकाल से 7 दिन पहले रब ने उनको हाल वगैरह में होता तो बहुत आसानी रहती आवाज पहुंचाने में, अब तो बराबर में कुछ आफतें भी चल रही है, खिलाफतों का भी मुकाबला करना है, जरा सुभान अल्लाह अब बोलिए जोर से, सुनिए मेरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है कि हम कादरी हैं, और कादरी होने पे नाज इसलिए है कि कादरी होने में फायदा बहुत बड़ा है। किताब का नाम है तफरीउल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर, कौन हजरत सैयदना अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आवाज पहुंच रही है आपके कान तक, पहुंच रही है, अल्लाह सलामत रखे आपको, इतना याद रखना मैं अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करता हूँ, वो 70,000 को आवाज पहुंचा सकते थे और पहुंचाई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका दीवाना 70,000 न सही 70 लोगों को तो आसानी से पहुंचा देगा। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कुल्लो वली लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिल नबी बदरिल कमाली, आपने फरमाया हर वली किसी नबी के जेरे कदम होता है, मैं मुस्तफा के जेरे कदम हूँ। अहले इल्म से पूछिए मुस्तफा करीम के जेरे कदम होने का मतलब क्या है, किसी हर वली किसी नबी के जेरे कदम होता है, इसका मतलब यह है नबी से जो मौजजा सादिर हुआ उसका अक्श जमील बशकले करामत अल्लाह ताला उस वली के हाथ पर सादिर फरमा दिया करता है। अब गौसे आजम की शान देखे, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शान को पहले समझे, सरकार का कमाल यह है मेरे नबी को जान भी पहचानते थे, सरकार का कमाल ये है आज भी मेरे नबी को कायनात पहचानती है, जर्रा जर्रा पहचानता है, अल्लाह ने मुस्तफा के सदके में अब्दुल कादिर को ये खूबी अता फरमाई कि गौसे आदम को भी जानवर पहचान रहे हैं। समझ गए आप, अगर आपने मेरी तकरीर सुनी होगी यूट्यूब वगैरह पर तो ये हदीस मैंने बारहा सुनाई है कि सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ फरमा है, क्या कह रहे हैं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत उमर फरमाते हैं कबीले बनी सुलैम का एक शख्स आया और आने के बाद हाथ में उसके क्या था एक थैला था, उसने एक जानवर को वहां गिराया, सरकार की बारगाह में आकर अर्ज करने लगा हुजूर ये बताएं अगर ये आपको रसूल मान ले तो मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, चैलेंज क्या था अगर ये रसूल माने खुदा माने इस बात पर नहीं, उसने कहा रसूल मान ले अगर ये आपको रसूल तस्लीम कर ले तो मैं इस बात पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा और कलमा इस्लाम कबूल कर लूंगा। रसूल करीम ने चैलेंज को कबूल कर लिया है इसलिए कि उसको मालूम नहीं था कि वो कह किससे रहा है, उस नबी से कह रहा है जिसके लिए रब ने फरमाया मिन अजली का अस्तहुल बता वारफा उस समा वामरुजुल मा वाजालो लक सवाबा वल अकाबा वल जन्नत वल नार, फरमाया महबूब मैंने आसमान का शामियाना तेरे लिए लगाया है, जमीन का फर्श तेरे लिए बिछाया है, महबूब ये पानी में पानी को मैंने दुनिया में फैलाया ये तेरी खातिर, जन्नत तेरे लिए तेरे चाहने वालों के लिए, जहन्नम तेरे गद्दारों के लिए, सवाब तेरे लिए तेरे चाहने वालों के लिए और अजाब तेरे गद्दारों के लिए। हमने कहा सुन्नियो इसीलिए तो ताजुश शरिया ने कहा था आपकी खातिर बनाए दो जन्नत, अपनी खातिर क्या बनाया, हाय हाय अपनी खातिर जो बनाया आप है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, नहीं आया खैर अल्लाह का शुक्र है कुछ दिनों के बाद समझ में आ गया, हद बात तो समझ में आ ही जाती है, इसलिए कि शायद उनको पहले पता नहीं था ये शेर किसी अहरे गहरे का नहीं
आला हजरत के फैज याफ्ता ताजुस शरिया का। हदीस आपने सुन ली ना, मिन अजली का अस्तौलबत था, पूरी तरीके से अब सुनिए जरा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अरबी में, या बब, वहां भी कहता है बदअकीदा देवबंदी सहारनपुर का सड़ियल बदबूदार इंसान बोलता है, जब से नबी का ताल्लुक हुआ दारुल उलूम देवबंद से तू उर्दू आई, बोलो हमने कहा हमें मनहूस, जरा गौर तो कर, नबी की नजर एक जानवर पे पड़ जाए तो दुनिया की सबसे हार्ड जबान उसको आ जाए। सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है दब्बो, ए गो, गो एक जानवर होता है, अपना यहाँ क्या बोलते हैं उसको, गो ही बोलते हैं, गोया। हाँ गोया, अच्छा ये गो उर्दू में गो बोला जाता है जो कपड़े और न्यूली की तरह होती है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या दब, अब मेरे नबी ने इतना खिताब किया तो वो कहने लगी लब्बई का वसादी के या ज़ैन मन वफ़ यौमल क़ियामत, क़यामत के बादशाह वही जिनको आला हजरत की ज़बान में कहे पेश हक मुज़दा शफ़ात का सुनाते आप रोते जाएंगे और आला हजरत की ज़बान में कहे अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोल, क्या बोले, मल ताबूत, तो किसकी इबादत करती है, तेरा माबूद कौन है। अब सवाल मुख्तसर, जवाब दे देती अल्लाह, लेकिन जवाब क्या दिया, अल्लज़ी फिस समाई अर्शो वफिल अर्दी सुल्तानो वफिल बाहरी सबीलो वफिल जन्नती सवाबो वफिल नारी इकाबो, कहने लगी मैं उस रब की इबादत करती हूँ आसमान में जिसका अर्श है, फर्श में जिसकी सल्तनत और बादशाहत है, पानी में समंदर के अंदर जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका अजाब है। सरकार ने आगे पूछा मन अला, सुभान अल्लाह, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहने लगी अंता रसूल और रब्बिल आलमीन व खातमुन नबियीन लकद अफलहा मन सद्दकत व कद खाब मन कद्दबत, कहती आप बताओ कौन है, आप अल्लाह के रसूल है, सारे जहानों के पालनहार अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल है, और आपकी पोजीशन और आपका जो मर्तबा है वो भी बता देती हूँ, खातमुन नबियीन। हमने कहा बे कासिम नानोतवी इसी से आके अकीदा सीख ले, तुझसे बेहतर तो ये जानवर है जो नबी को आखिरी नबी बता रहा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती है सरकार, कद अफलाह मन सद्दकक वकद खाब मन कद्दबक, यकीनन कामयाब वही होगा जो आपके दामन से जुड़ जाएगा, नाकाम हो जाएगा जो आपके दामन को छोड़ देगा। तो आला हजरत कहने लगे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और उसके दूसरे जुमले की तर्जमानी के जो आपके दामन से हटेगा वो नाकाम हो जाएगा, तो आला हजरत कहने लगे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। तवज्जो है, बहुत सरकार को किसने पहचान लिया, जानवर ने। अब गौसे आदम की शान भी देखो, सदका मदीने वाले का चूंकि मुस्तफा के जेरे कदम, ऊंचा बोलो, मुस्तफा के जेरे कदम है, और मुस्तफा के जेरे कदम है तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का सदका शेख अब्दुल कादिर जीलानी को मिला। हाँ माहौल ऐसा बन गया, वरना तो आपको फतावा करामाते गौसिया और तर्दुल अफाई जो आला हजरत की दोनों किताबें उन दोनों किताबों के हवाले से गुफ्तगू करके और बताता। बहरहाल आवाज पीछे तक तो जा रही है ना, आगे वाले ना बोले, जो नीले कपड़ों में बैठे वो बोले, आपको आ रही है, नीले कपड़े वाले जो बैठे चचा नहीं आ रही है, और पीछे चले जाइए तो और अच्छी आएगी। ये भी एक तारीख साक जलसा हो गया कि इतने बड़े मजमे को बगैर माइक के तकरीर करके करना सुनाना पड़ रही जी, सरकारे को से पाक की सुन्नत अदा हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि जो माइक से नमाज पढ़ाते हैं अबू बकर सिद्दीक अकबर की सुन्नत अदा कर, क्या बात है,
आज मैं बगैर माइक के तकरीर करके सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। तो जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम मर्ज शरीफ के अंदर थे, सरकार नमाज पढ़ाते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम को नकाहत थी, अबू बकर सिद्दीक अकबर मुकब्बिर बनते थे, आप कहेंगे टेक्नोलॉजी नहीं थी, मैं कहूंगा उस वक्त भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तावील की जा सकती है, मगर याद रखे अगर आज बगैर माइक के नमाज पढ़ा के मुकब्बिर लगाकर नमाज पढ़ाएंगे तो जिस तरह बगैर माइक के तकरीर करके शहजाद सुन्नत गौस को जिंदा कर रहा है, आप सुन्नत अबू बकर सिद्दीक अकबर को जिंदा कर देंगे। तवज्जो है, अब किताब का नाम नोट करें, तफरीउल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर, एक किताब है तफरीउल खातिर फातिर फी तर्जमत सैयदी शेख अब्दुल कादिर, पहली किताब के लिखने वाले सैयद अब्दुल कादिर अरबली हैं, दूसरी किताब के लिखने वाले मुल्ला अली कारी हैं। और मुल्ला अली कारी ने पूरी किताब क्यों लिखी है मालूम है? आज आपको मालूम है ये राबजी जो होता है वो सब अहले बैत की तारीफ में और मदो सताइश में लगा रहता है, लेकिन जो उसके तारीफ करने का अंदाज इस्लाम के तरीके के खिलाफ हुआ करता है। मगर आपने कभी किसी राबजी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तारीफ करते हुए सुना? क्यों नहीं सुना? इसलिए नहीं सुना कि गुनियतुत तालिबीन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सहाबा की अजमत के साथ सैयदना अमीरे मुआविया की शान भी नजर आएगी। और इस जालिम कौम ने उसका बदला किस तरह चुकाया, जैसे आज आप दिल्ली चले जाइए सैयदना इब्राहिम एरजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मदार को, वहाँ के मर्दूदों ने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। वजह क्या है? वजह यह है कि आपने वो वाकिया जिक्र कर दिया था जिस वाकिये को आला हजरत ने मलकुत शरीफ में जिक्र किया कि सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में हजरत सैयदना इब्राहिम एरजी तशरीफ फरमा थे, कव्वाल कव्वाली कर रहे हैं जम के, आला हजरत फरमाते हैं हजरत इब्राहिम एरजी बाहरी तशरीफ फरमा रहे, एक साहिबे कस्सो करामत बुजुर्ग आए कहने लगे हुजूर अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? हजरत सैयदना इब्राहिम एरजी ने कहा वही बहरे इब्राहिम हम पर नारे गम गुलजार कर भीख दे दाता भिखारी बादशाह के। तो यही जिनके सदके में जहन्नम की आग को ठंडा करने की दुआ की गई है कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा, यही सैयदना इब्राहिम एरजी है जो हमारे सिलसिले के बुजुर्ग है, आज उनका मजार तलाश करने पर मिलता है। आए आप जब जाएंगे तो हजरत सैयद चिराग दे क्या है हजरत, हाँ हजरत अमीर खुसरू के मजार के बिल्कुल दरवाजे के उस तरफ आप जाएंगे, आप पाइताना बोल सकते हैं, हालांकि पाइताना नहीं कहलाएगा, वो दरवाजे के बिल्कुल अपोजिट साइड में एक छोटा सा कमरा नजर आएगा वो बंद रहता है, वही सैयदना इब्राहिम एरजी की मजार का मजार शरीफ है। बंद क्यों किया है? वजह यह है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में गए, कव्वाली कव्वाली कर रहे हैं, आप बाहर जाके बैठ गए, एक साहिब कश्म करामत बुजुर्ग आए कहा हुजूर चलिए महफिल सिमा में चलते क्यों नहीं? आपने फरमाया साहिब कश्म करामत हो, साहिब बसीरत हो, बसारत हो, जाके देख तो ले। आप गए जैसे ही हाजिरी दी फौरन नजर मारी कब्र शरीफ के अंदर देखा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जलाल में बैठे हैं, जलाल में, और फरमा रहे हैं ई बदबख्ता वक्ते मारा परेशान करदा अन, फरमाया इन बदबख्तों ने हमारे वक्त को बर्बाद करके रखा है, इसलिए मजारात औलिया पर कव्वालियों कराने वालों पैसा खर्च करने वालों याद रखना साहिब मजार तुमसे खुश नहीं होगे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बता दिया हमें इन फासिको फाजिर की कव्वालियों से सुकून नहीं मिलता है, मुस्तफा के वारिसीन की तकरीरों से सुकून मिला। समझ में आई बात आपके? तो ये वाकया जिक्र किया था उन्होंने मजार में क्या लगा दिया, हजरत गौसे आदम ने सैयदना अमीर मुआविया की शान को बयान कर दिया, अजमत साहबा पर बोल दिया, तो ये मर्दूद इस कदर परेशान हो गए कि गौसे आदम के सैयद होने का इनकार कर दिया। जब सियादत का इनकार किया तो मुल्ला अली कारी को पूरी किताब लिखना पड़ी तफरीहुल खातिर फातिर, पूरी किताब लिखना पड़ी, आप पढ़िए उसके इब्तदाई सफात में आपने कहा है कि मैंने ये किताब लिखी क्यों है, वजह तालीफ, व्हाट इज द रीजन ऑफ राइटिंग,
किताब को लिखने का जो मकसद है वो क्या है, आपने उसको पूरी तरीके से वाजे किया। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं जिस नसब व हसब को बयान करने के लिए हजरत सैयदना मुल्ला अली कारी ने पूरी किताब लिखी, मेरे इमाम ने उसी नसब को दो मिसरों के अंदर जिक्र कर दिया, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मोहियुद्दीन हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का बोलेंगे अपने इंतकाल के बाद, सुभान अल्लाह बोलोगे इंतकाल के बाद बोलोगे तो कुछ नहीं है। इज़ा माता इब्नु आदम इनकता अमलु, बंदा मर गया अमल का सिलसिला खत्म, वहाँ तो सब बोलेंगे सुभान अल्लाह। समझ गया, जो नहीं बोले वो भी बोलेंगे। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में, अगर कयामत में तो सबको मानना है। आए ये मजलूम हमारे भाइयों पर जो जुल्म कर रहे हैं ये भी कमबख्त कल मानेंगे और अल्लाह इनको भी तहस नहस फरमाएगा। दुआ करें अल्लाह इनको तबाह फरमा दे और ऐसा तबाह फरमाए कि दुनिया के नक्शे पे कोई मालूम ही ना कर सके कि ये कोई कौम थी भी। तो 10% बचे थे, 90 तो खत्म हो गए थे, 10 बचे थे, अल्लाह इन 10 को भी गारत फरमा दे। तवज्जो है, अब बताओ सैयदना गौसे आलम किसान जानवर कैसे पहचानते हैं? किताब का नाम सुन लिया आपने, हजरत साल बिन अब्दुल्ला तस्तुरी रदी अल्लाह तआला अनु फरमाते, एक दिन सैयदी गौसे पाक गायब हो गए। सहाबा का आलम यह था, मेरे मुस्तफा थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाते, आने में देर होती, सहाबा तलाश करते। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ में बैठे, तशरीफ ले गए किसी बाग के अंदर। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, मैं इंतजार करता रहा करता रहा करता रहा, जब दिल के अंदर बेचैनी बढ़ी तो मैंने क्या किया, सरकार को तलाश करने के लिए निकल गया। हमने कहा किससे पूछा, बोले पूछा किसी से नहीं, खुशबू से पहचान लिया मुस्तफा के दरबार। समझ गए आप, तो सहाबा इकराम मुस्तफा के लिए तलाश करने की खातिर निकल जाते थे मुस्तफा को। और हजरत गौसे आदम के मुरीदों का हाल ये था, थोड़ी देर गौसे पाक न मिलते तो मुरीद निकल जाते। एक दिन ऐसा हुआ सैयदी गौसे पाक बगदाद शरीफ से गायब हो गए, मुरीदीन कभी इस गली में जाते कभी उस गली में, कभी खानकाह में तलाश करते, कभी मस्जिद में, कभी इधर कभी उधर, ना मिले। गायब से आवाज आई, हातिफ गायबी ने निदा लगाई और कहा, अगर अब्दुल कादिर को तलाश करना चाहते हो दरियाए दजला चले क्यों नहीं जाते। हजरत साल बिन अब्दुल्ला तस्तुरी कहते, मैंने जमात को लिया और मैं चला गया कहा दरियाए दजला। फरमाते जैसे ही दरियाए दजला गया, मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, सैयदी गौसे पाक पानी के ऊपर चल रहे हैं। तवज्जो है, और अगला जुमला बता दूं, वल अस्मा को तो सल्लिमो अलैही व तुकब्बिलु यदैही व रिजलैही। फरमाया मछलियां निकल निकल के सैयदी गौसे पाक को सलामी पेश कर रही है। और इतना ही नहीं, मेरे गौस ने हाथ को नीचे कर दिया है, पैर तो पानी के ऊपर थे ही। वह तो कब्बिलु यदैही व रिजलैही, मछलियां गौसे आदम के कोई हाथ को चूमती है कोई पैरों को बोसे दे रही है। हमने कहा इन मछलियों को किसने बता दिया कि आज पानी के ऊपर वलियों का सरदार तशरीफ फरमाया। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मुसल्ला निकला, अब वो मुसल्ला ना आसमान में बिछा, ना जमीन में, ना पानी में। कहाँ लगा, किताब के अंदर मौजूद है तख्ते सुलेमानी की तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से वो मुसल्ला हवा में लगा दिया गया, पीछे सफे लगा दी गई। अब जरा देखिएगा, गौसे आदम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने अंबिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह मेरे नबी को सारे नबियों का सरदार बनाया है, तब आला हजरत कहने लगे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलियों में हजरत गौसे आदम को उन सब का सरदार बनाया है, और जब सरदार बनाया तो आला हजरत फिर मचल कर आए, कहने लगे सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवार। मैं अगर खामोश हो जाऊं तब तो जोर से बोल सकते हो इजाजत। अब ऐसा नहीं कि नारों का बिल्कुल कहती लग पड़ जाए, हाँ भैया थोड़ी देर और सुन लो, ये वाकया मुकम्मल कर देता हूँ। हाँ तवज्जो है,
देखो ऐसा है ना, सपोर्टर सपोर्टर ही होता है। अकेला आदमी कब तक मेहनत करेगा, सपोर्टर होता है तो थोड़ा सा और आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। तवज्जो है। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अनु के कदमों को बोसा दे रही है मछलियां। उधर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत नबी की शान बयान करते हुए कहे, अपने आका की है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। बात समझ गए आप? इधर सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को सारी मखलूक अपने दिल के अंदर उनका अदब रख रही है। जब हजरत गौसे आदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसियत कुबरा अता फरमाई, एक बात और क्लियर करके चला जा रहा हूँ, सुनिएगा जरा गौर से। आपसे अगर पूछा जाए सरकार की उम्मत में पहला गौसे आदम कौन है? अरे बोलिए सुभान अल्लाह तो बोला, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए, पहला गौसे आदम कौन सरकार की उम्मत में? अबू बकर सिद्दीक। याद तो होना चाहिए, तभी तो अकीदे की हिफाजत कर पाओगे। सरकार की उम्मत में सबसे पहला गौसे आदम अब जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर है, दूसरे उमर फारूक आजम है, तीसरे उस्मान गनी है, चौथे मौलाए कायनात है। अब आगे सुनिएगा, सरकार की आल की जब बात आई तो आले मुस्तफा में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तर्दुल अफाई के अंदर इरशाद फरमाते हैं, जब हजरत अमीर मुआविया सैयदना इमाम हसन मुस्तफा के दरमियान जंग होने वाली थी, सरकार की हदीस गालिब आई, लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। सरकार ने फरमाया था, बेटा तेरी वजह से अल्लाह मुसलमानों के दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करा देगा। हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक इमाम हसन मुस्तफा ने उनके हाथ पर बैत नहीं की थी, तब तक अमीर मुआविया की खिलाफत को मानना और उनकी इमामत को कबूल करना वाजिब नहीं था, लेकिन जब इमाम हसन मुस्तफा ने कबूल कर लिया तो अब मानना हमारे लिए लाजिब हो गया। लिहाजा आज के दौर में अगर कोई बदबख्त सैयदना अमीर मुआविया की खिलाफत पर और उनकी सल्तनत और बादशाहत पर हमले करता है, वो हकीकत में सैयदना इमाम हसन मुस्तफा पर एतराज कर रहा है। तवज्जो फरमाइएगा, इधर इमाम हसन मुस्तफा ने इस्लाम का सिराजा बिखरे नहीं, मुसलमानों के अंदर यूनिटी रहे, इत्तिहाद रहे, लेकिन ये इत्तिहाद वहाबी से नहीं होगा, बदअकीदा से नहीं होगा, ये इत्तिहाद सिर्फ सुन्नियों का आपस में सुन्नियों के साथ रहेगा। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत इमाम हसन मुस्तफा ने जब दुनियावी खिलाफत इमाम हसन हजरत अमीर मुआविया को सौंप दी, रब की रहमत जोश में आई, रब ने इरशाद फरमाया, ए हसन मुस्तफा सुन, हम तुझे गौसियत कुबरा अता कर रहे हैं। इसीलिए आला हजरत कहते हैं पहला गौसे आजम मुस्तफा की आल में इमाम हसन मुस्तफा है, दूसरे गौसे आजम जिनको गौसे आजम औसत कहा जाए, जिनको गौसे औसत कहा जाए, वो अब्दुल कादिर जीलानी है, और जो खातमुल अक्ताब बन के तशरीफ लाएंगे वो इमाम हसन हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला। तवज्जो है, गौसे आजम मैदान, गौसे आजम मैदान, हुजूर अमीन शरीयत गिराई का सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती शहजाद मिसबाही साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान, मुसल्ला बिक गया, मस्जिद अक्सा के अंदर भी मुसल्ला लगा था। अल्लाह मेरे किबला अव्वल की हिफाजत करे, और जो जालिम उस पर जुल्म कर रहे हैं मौला उनको तहस नहस फरमा। बैतुल मुकद्दस के अंदर सरकार मुसल्ले पर चले, कदम रंजा फरमाया, हुजूर का कदम नाज गया, मेरे नबी ने इमामत की, जमाने को पता चल गया है नबियों के इमाम। आज मुसल्ला बिछा है, सफे लगी है, तुम्हारे और मेरे जैसे गुलाम नहीं, अख्ताब अब्दाल अवताद अफराद नुजबा मस्तूरुल हाल बुजुर्ग सब पीछे। गौसे आदम को हुक्म नमाज पढ़ाइए, सैयदी गौसे पाक ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद जब फारिग हुए, सुभान अल्लाह तो बोलो, अरे इशारे नहीं समझते हो तो क्या समझोगे, ये समझते हो, ये हाँ ये तो बहुत जल्दी समझ में आता होगा, और ये समझते हो, हाँ ये समझते हो, समझे ना, हाँ तो फिर ये भी समझो, पहले वाले सारे इशारे खाने पीने से थे इसलिए आसानी से समझिए,
ये इशारा जो है नमाज से ताल्लुक रखता है, नमाज पढ़ोगे दुआ मुखुल इबादा, दुआ जो है इबादत का मगज है, तो पहले दुआ इबादत करोगे तभी तो मगज हासिल होगा बाद, इसलिए इशारा समझ में आना चाहिए। गौसे आदम ने हाथ उठा लिए और दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बिहक्की जद्दी नबीका व खियरतिका मिन खल्क़िका अल्ला तक़बिज़ रूहा मुरीदन औ मुरीदतन ली इल्ला अला तौबा। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ। हजरत गौसे आदम जब पैदा हुए ना, आपकी पैदाइश के दूसरे दिन हजरत सरकारे दो आलम उनके वालिदे बुजुर्गवार सैयदना शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में आए, सरकार ने इरशाद फरमाया हादा इब्नु का व इब्नी ऐसा, ये सिर्फ तेरा ही बेटा नहीं ये मेरा भी बेटा है। तभी तो आला हजरत ने कहा तेरी सरकार में लाता है रदा उसको शफी जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। तवज्जो है, गौसे आजम ने वसीला दिया। हमने कहा कुनियत तालिबीन में तुझे ये तो नजर आया कि रफ़ा अदैन है, गौसे आजम का वसीला नजर क्यों नहीं आया? क्या बात है, क्या माना? मैं तुझे वसीला देता हूँ, किसका? जो मेरे नाना जान है, किसका? जो तेरे नबी है, तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारे हैं। समझ गए आप? क्या मांग रहे हो? गौसे आजम ने क्या मांगा? कादरी और मेरी तरफ देखो, गौसे आजम ने क्या मांगा? गौसे आजम ने तुम्हें मांग लिया है। समझ गए आप? सरकार ने उम्मत को मांगा, गौसे आजम ने मुरीदीन को मांग लिया। कहने लगे मौला मेरी तमन्ना और दुआ आरजू रिक्वेस्ट गुजारिश ये है मौला, मेरे सिलसिले कादरिया में जितने भी मर्द औरत मुरीद होने वाले हैं सबको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा दे। अब जरा गौर कीजिए, मरने से पहले किसी को तौबा की तौफीक मिल जाए? अत्ताइबु मिना ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, जो तौबा कर लेता है गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। गौसे आजम कह रहे हैं मौला है मेरे सारे मुरीदों को मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। जब आपकी दुआ कम्प्लीट हुई ना, वल मलाइकतु युअमिनूना अला दुआई वल हाज़िरूना अयज़न युअमिनूना, सारे फरिश्तों ने अमीन कह दिया और साथ ही जितने वली थे सबने अमीन कह दिया। अब आखिरी जुमला दे रहा हूँ इस तकरीर का, इसके बाद गुफ्तगू खत्म, ताकि कादरियों को पता चल जाए कादरी होना कितना जरूरी है, और कादरी वही हो सकता है जो सुन्नी से उलकीदा होगा, इसलिए कि वहाबी को तो इससे कुछ लेना देना नहीं। सैयदी गौसे पाक के दीवानों हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब दुआ की उधर से आमीन की आवाज भी आ गई। अब आप कहेंगे दुआ कबूल हुई के नहीं? फजा निदाओ मिन आलमिल गैबी इन्नी कद इस्तजबतु लक, गैब से आवाज आती है हे अब्दुल कादिर जिलानी मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। सुन्नियों जरा जुमला मुकम्मल होने देना, फिर चाहे जितनी चाहो बुलंद आवाज में तस्बीह और तहलील करना। जुमले को जरा गौर करो जुमले पर क्या कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, इसीलिए तो आला हजरत ने कहा कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अब ज्यादा मेहनत ना लो, इसलिए कि सुनना आसान है बोलना थोड़ा दुश्वार। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन, आमीन, और आपके इस जलसे को कबूल फरमाए, आमीन। जिस हालत में भी हुआ अच्छा हुआ, जो किया अच्छा किया, फिर तुझको है ना। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अनु ने बहुत कुछ कह दिया, तेरी दोज़ख से कुछ छीना नहीं। अगर आने वाले अहले कुफ्र है, सुनिएगा इसराइल भाई, जुमले पे गौर कीजिए, आप टेंशन खत्म कीजिए ना, जलसा हो गया पूरा। हाँ काहे को टेंशन ले रहे हैं? अगर आने वाले अहले कुफ्र हैं तो फिर आला और अहले कुफ्र हैं, और फिर उसके आगे जो मरकज है बिदातियों का, उन सबके लिए कह रहा हूँ आला आदमी का तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। आला हजरत पास टेंस में पहुंचा पहुंचा, तो ताज शरिया कहने लगे अख्तर कादरी खुल्द में चल गया। यहाँ पर जर्नी की स्टार्टिंग हो रही है, सफर का आगाज हो रहा है, तो ये कादरी सब कहने लगे अकेले अकेले, कहने लगे कहाँ खुल्द वहाँ है, अकेले नहीं अख्तर रजा अकेला कब जा रहा है, तुझे मसलके आला हजरत देके जा रहा है ना, खुल्द वहाँ है, ओपन है, खुली हुई है, वहाँ कमाना खुली हुई, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए।